नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, शनि आत्मकारक ग्रह बनकर बैठा हो तो उसका फलादेश क्या होगा। और भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पराशर पद्धति के अंदर लग्नाधिपति ग्रह जो जो चीजों को दर्शाता है वो सारी चीजें जेमिनी पद्धति के अंदर आत्मकारक ग्रह दर्शाता है। आत्मकारक ग्रह ये दर्शाता है कि व्यक्ति का शारीरिक गठन कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, उसके आचार विचार संस्कार कैसे होंगे, वो कितना बुद्धिमान गुणवान तेजस्वी होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ये सारी बातें हमें आत्मकारक ग्रह दर्शाता है। पहले तो हम ये जान ले कि आत्मकारक ग्रह होता कैसे है। तो सुनिए, जेमिनी पद्धति के अंदर जो ग्रह सबसे ज्यादा अंशों का होता है उसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं, लेकिन हां उसमें राहु केतु की गिनती नहीं की जाती। आत्मकारक ग्रह हमें यह भी बताता है कि आपका इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको इस जिंदगी के अंदर कैसे कर्म करने चाहिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर शनि आत्मकारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चिका होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतु होते हैं, ईमानदार वफादार नीतिवान होते हैं। अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले होते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही खुद्दार लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कायदा कानून का उल्लंघन किए बिना नीति नियमों का पालन करके अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसे व्यक्ति धीमी गति से प्रगति करने वाले लोग होते हैं और बड़ी उम्र में सर्व सुखों को प्राप्त करते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। शनि आत्मकारक ग्रह बनकर जन्म कुंडली में शुभ होता हो और यही शनि नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने फैमिली मेंबर की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही उदार दयालु सेवाभावी सहनशील परोपकारी दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अनाथ आश्रम जाकर सबकी मदद करना, दीन दुखियों की सेवा करना और उनकी सहायता करना बहुत अच्छा लगता है। शनि आत्मकारक ग्रह बनकर अगर कुंडली के अंदर दिग्बली होता हो, लग्नेश खुद होकर बैठा हो यानी कि लग्नाधिपति बनकर बैठा हो या फिर लग्नेश का मित्र होता हो, षडबल में बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, इन्हें हर काम सिस्टमेटिकली करना अच्छा लगता है, हर काम ऑर्गेनाइज पद्धति से वेल प्लान के साथ करना अच्छा लगता है, अपने काम में किसी दूसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। शनि आत्मकारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चिका होकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। और हां, यही शनि अगर केंद्र के अंदर स्वगृही या उच्चिका होकर शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो और नवमांश के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं। अगर शनि और मंगल का आपस में संबंध होता हो तो ऐसे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के काम से बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। अगर कुंडली के अंदर शनि बुध की युति होती हो तो ऐसे लोगों को रिसर्च में जाने से बहुत लाभ होता है
और ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री बन सकते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि आत्मकारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही दिल के दयालु, उदार, परोपकारी और सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति घर से दूर जाए या फिर जन्मभूमि से दूर जाए तो निश्चित उनका भाग्योदय होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को 36 वर्ष तक बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 36 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे उनकी बहुत अच्छी प्रगति होती है। उन्हें थोड़ी देरी से सफलता मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिलती है। और ऐसे व्यक्ति 40-45 साल के बाद सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अगर कुंडली के अंदर शनि आत्मकारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, गरीब और अनाथ लोगों के लिए एनजीओ चलाना चाहिए, अनाथ भटकते हुए पशुओं के लिए कुछ करना चाहिए, गरीब और बीमार व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन सार्थक होता है और उनका लक्ष्य पूरा होता है, वो अपने उद्देश्य को हासिल कर पाते हैं। अभी हम जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शनि आत्मकारक ग्रह बनकर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो या फिर छठवें, आठवें या बारहवें भाव के अंदर पीड़ित होता हो, षडबल में बलहीन होता हो, या फिर ये शनि पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है और इन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने और रुकावटें आती हैं, और वो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को सही ढंग से, परिपूर्ण पद्धति से हासिल नहीं कर पाते। अभी हम जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शनि नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, छठवें, आठवें, बारहवें भाव में हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाए। तो सुनिए, पहला उपाय, ओम शम शनिश्वराय नमः, ओम शम शनिश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। अगर कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो, योग कारक ग्रह बनकर बैठा हो, और अगर ये नीच का ना हो, छठवें, आठवें, बारहवें भाव में ना बैठा हो, तो ऐसे लोग शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं। शनि शिव का अंश माना गया है, इसीलिए ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दूध और पानी को मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, मानस स्तोत्र जैसे स्तोत्र का पठन करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि आत्मकारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत ही दयालु, उदार और परोपकारी होते हैं, और उनका जीवन का लक्ष्य ही ये होता है कि वो दूसरों की मदद करे, दूसरों की सहायता करे, दीन दुखियों की मदद करे, और सभी का भला चाहते हैं ऐसे लोग। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।